Hello and welcome dear students to Unacademy JEE channel. This is the place where we provide you quality education for free. तो I guess आप लोगों ने अभी नमो सर और पारस सर के लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं, ठीक है। जिनको पता नहीं है, जो कमेंट्स में हमसे पूछते रहते हैं, टेलीग्राम पर पूछते रहते हैं कि रेगुलर क्लासेस का टाइम क्या है, तो स्टूडेंट्स 7 to 10, ऑल राइट, 7 बजे फिजिक्स की, 8 बजे केमिस्ट्री की और 9 बजे अभी हमारी मैथ्स की क्लास होती है, ठीक है। जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता देता हूँ, माय नेम इज़ समीर चिंचोलीकर एंड आई एम मैथमेटिक्स एजुकेटर ऑन अनअकैडमी जेई चैनल। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो इतना अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आप पिछले प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर कंटेंट फॉलो किया जा रहा है। पूरी थ्योरी कवर होगी, ठीक है, और जेई की आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर होने वाली है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, साथ में यहाँ पर बेनिफिट क्या है कि आपको स्टडी नोट्स भी मिलते हैं, क्लियर है। जो भी आपके लेक्चर में हम थ्योरी या फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो आपको एज ए पीडीएफ मिलने वाला है। ऑलराइट, तो आप जो देख रहे हैं सीरीज, दिस इज जेईई लाइव डेली सीरीज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर रेगुलर लेक्चर्स होते हैं तो थ्योरी भी पढ़ाई जाती है। आज शायद कोई बच्चा थोड़ा कंफ्यूज था, शायद उसने सबसे पहले आकर क्विज सेशन अटेंड किया था, तो ही वॉज कंफ्यूज कि यहाँ पर थ्योरी होती है क्या। तो आई थिंक दोनों ही टाइप के सेशंस अटेंड करने का इम्पोर्टेंस है ना। क्विज सेशन में हम ये देखते हैं कि क्या आप टाइमली मैनर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो क्या आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी, और यहाँ पर तो एक्चुअली हम सीखते हैं चीज़ों को। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो तो हमने अभी तक क्या कवर कर लिया है, हमने मैथमेटिक्स का जो बेसिक्स है वो पूरा कवर कर लिया है स्टूडेंट्स। वेवी कर्व मेथड हमने पढ़ा था, और उसके बाद हमने फंक्शंस चैप्टर किया, काफ़ी सारे लेक्चर्स किए उसके अंदर, जिसमें हमने मॉडलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे लास्ट क्लास में किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब अलग अलग टॉपिक्स में मिक्स होकर आते रहते हैं। ऑलराइट, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं हमें। ऑलराइट, प्रथमेश, उमाकांत, अमय, आदित्य इज़ ऑल्सो हियर। ऑलराइट, राजा, हेमंत, चलो वेलकम एवरीवन। और आज का जो शेड्यूल है वो जो हमारा सब टॉपिक है वो देख लो, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट्स, ठीक है। जो मतलब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के लिए हमें एक्चुअली कुछ ना कुछ एंगल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है, तो आज हम वो कवर करेंगे। और आपने अगर अभी तक सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं और अगर आपको वो सिंपल लगे हैं या फिर आपको उनमें जो सिखाई गई बातें हैं वो सिंपल लगी हैं, तो आई थिंक आज का लेक्चर तो बहुत ही आराम से हो जाएगा आपको, है ना। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट हैं, लेकिन इनके बिना हम चालू नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो, तो टेलीग्राम ऐप पर काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं दिक्कत आ रही है, तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको पहले मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होता है और उसके बाद क्रोम ब्राउज़र में जाकर ये लिखना होता है tinyurl.com/JEE live chat। अगर ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम रिपोर्टेड है कि नहीं आती। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और बता दूं कि यहाँ पर ऑलरेडी 1000+ स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं जो रेगुलरली हमारे साथ डिस्कशन करते रहते हैं, तो आपको भी अगर कनेक्ट होना है, कुछ आपको पर्सनल क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं, तो यहाँ पर चैट में तो हम पूछते रहते हैं, देखते रहते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स को रिप्लाई भी करते रहते हैं। लेकिन जहां हम अलग से बात करेंगे, है ना, अगर ये कंटेंट डिलीवरी के टाइम पे हम अगर नॉर्मल डिस्कशन ना करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो इस टेलीग्राम ऐप पर अगर आओगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ऑलराइट, डी ब्रॉगली, आई वुड ट्राई टू चेंज दैट। ऑलराइट, चलो, आदित्य, शिवम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलते हैं। एक क्वेरी और आ रही थी स्टूडेंट्स की कि अभी जो 2019 में एडवांस एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ करो, तो स्टूडेंट्स पारस सर के साथ मिलके और जयंत सर के साथ मिलके आई एम लॉन्चिंग अ कोर्स ऑन प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है। इट इज़ एन अल्टीमेट क्रैश कोर्स फॉर जेई स्टूडेंट्स। ऑलराइट, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने अभी मेंस दिया है, जिनका अभी बस 1-2 दिन पहले रिजल्ट आया है, एंड दे आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट एडवांस एग्जाम, ठीक है। तो वो बच्चे प्लस प्लेटफॉर्म पर ये कोर्स अटेंड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ज्वाइन करना। आपको unacademy.com/plus पर जाना होगा और वहाँ पर आपको जेई का सब्सक्रिप्शन लेना है, और अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी तो यू कैन यूज़ जेई लाइव कोड ताकि आपको फर्दर डिस्काउंट मिले। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ऑल्दो इट इज़ सजेस्टेड कि आपने लंबा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, लेकिन जो बच्चे ये क्रैश कोर्स लेना चाह रहे हैं उनके लिए एडवाइजेबल होगा कि आप 1 महीने का कोर्स लो, बिकॉज 1 महीने बाद तो आपकी पढ़ाई खत्म होने वाली, ठीक है। तो फॉर यू द 1 month सब्सक्रिप्शन विल बी फाइन, बट अदरवाइज 12 month इज बेनिफिशियल फॉर एवरी वन एल्स। ऑल राइट, चलो, तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम स्पेशल फंक्शंस पढ़ रहे थे। तो लेट अस डिस्कस कि उनके आंसर्स क्या हैं। पहले तो आई थिंक कम्युनिटी में मैंने एक और क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, तो कम्युनिटी पोस्ट भी चेक करते रहा करो, उसके अंदर हम क्वेश्चंस ऐड करते रहेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जो क्लास में मैंने बताया था क्वेश्चन होमवर्क में वो ये वाला है कि एक इक्वेशन है जिसके अंदर एक्स भी है, फ्रैक्शनल पार्ट भी है और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, और इसको मुझे सॉल्व करना है समहाउ, और इसको सॉल्व करके मुझे बताना है कि अच्छा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आने वाला है। क्लियर है? तो देखो क्या सजेस्टेड है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट हमें पता होना चाहिए। कोई सा भी अगर एक नंबर है x, तो आप उसको बेसिकली दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, क्या होता है x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। ठीक है, किसी भी नंबर का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो और उसका फ्रैक्शन पार्ट ले लो, उन दोनों को ऐड करोगे तो एक्चुअल नंबर जनरेट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी यूज करके देखो इसका सॉल्यूशन कैसे आता है। आया इसका आंसर किसी का? आदर्श बी बता रहा है इसका आंसर, और आया किसी का? जल्दी बताओ। अच्छा सुजल डी बता रहा है। अच्छा सुजल डी, नो सॉल्यूशन आया आपका। ऑलराइट, और किसी का आया? आदर्श का आंसर मेरे ख्याल से बिल्कुल करेक्ट है, एक इंटीग्रल सॉल्यूशन और एक नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो जिनका आंसर गलत आया है या फिर नहीं आया है करते, उन्होंने जल्दी से सॉल्यूशन देखना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन दिए हुए वो ऐसे कुछ है, एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक्स को ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में, जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अगर मैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स लिखता हूँ तो मेरे पास अब बेसिकली दो ही टाइप के टर्म्स बची हैं, तीन नहीं है अब। ठीक है, दो ही टाइप की टर्म्स हैं, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली टर्म है और एक फ्रैक्शनल पार्ट वाली टर्म है। तो मैं कुछ आगे पीछे करके इनको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि नहीं, है ना। तो इन दोनों को मिला लिया और इन दोनों को मिला लिया, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बना फ्रैक्शनल पार्ट के लिए वो ऐसे कुछ आ रहा है कि इट इज 2/3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्लियर है? अब यहाँ से ये एक्सप्रेशन बनाने का फायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि मुझे पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स तो वैल्यू कुछ स्पेसिफिक से ही ले सकता है ना। उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए, उसका नाम ही फ्रैक्शनल पार्ट है, वो फ्रैक्शन है, मतलब 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो अगर ये देखो कि मुझे अगर ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करवानी है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करवानी है, तो फिर मैं अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू सोचूं तो मैं क्या क्या ले सकता हूं। तो मैं बस दो ही वैल्यू ले सकता हूं, या तो मैं 0 ले सकता हूं या फिर मैं 1 ले सकता हूं, क्योंकि 0 लूंगा तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0 बनेगा विच इज अलाउड, एंड अगर मैं 1 लूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 2/3 बनेगा विच इज ऑल्सो अलाउड। क्लियर है? लेकिन 2 लेके देखो, जैसे आपने यहाँ पे 2 डाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 हो सकता है, लेकिन जैसे आपने यहाँ पे 2 डाला ये क्या हो जाएगा 4/3, एंड 4/3 इज मोर देन 1, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पर। 1 के आगे नहीं जा सकते, 0 के ऊपर -1 डाल सकते हैं क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू तो -1 हो सकती है, लेकिन उससे जो आंसर निकल के आ रहा है वो कैसा है, -2/3, और फ्रैक्शनल पार्ट -2/3 नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बची वो केवल 2 बची। तो अगर मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया है तो इस इक्वेशन से मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा, एक बार आएगा 0, एक बार आएगा 2/3, और अगर मेरे पास ये आ ही गया है तो इन दोनों को मिलाकर ही तो x बनता है। तो x के दो पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं आपके पास, या तो 0 हो सकता है या फिर 5/3 हो सकता है, और इसलिए इसका b ऑप्शन करेक्ट है ना। अच्छा नैना, ई आंसर तो है नहीं हमारे पास, कहाँ पर हो आप? ऑलराइट अच्छा VNJR गेम्स, ऑलराइट आपका डी आंसर आ रहा था। आई थिंक अभी आपको समझ में आया होगा कि इसका आंसर बी है। चलें आगे स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है जो मैंने कम्युनिटी में शेयर किया था, तो प्लीज डू फॉलो द कम्युनिटी पोस्ट ऑल्सो। ये जो हमारे पास क्वेश्चन था ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, फ्रैक्शनल पार्ट दिख नहीं रहा है अभी मुझे। क्लियर है? इसका आंसर आया किसी का? आदित्य बी आंसर आप पिछले क्वेश्चन का बता रहे हो या इसका बता रहे हो? ऑलराइट अभय, अच्छा अभय ट्रिग्नोमेट्री अभी हमने स्टार्ट किया नहीं, करेंगे, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन और करते हैं, उसका ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट करना है हमें। अच्छा तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखो, थोड़ा लेंदी है, इसके अंदर कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन पहले समझो कि यहाँ पे दिया हुआ क्या था। यहाँ पर y कोई तो एक क्वांटिटी है जो इस एक्सप्रेशन के भी बराबर है और इस एक्सप्रेशन के भी बराबर है, मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में तो बराबर हैं। ठीक है, तो मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा मैं कि इन दोनों की जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसके अंदर x एक ही अननोन है, तो सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? सही बात है, क्योंकि x एक ही अननोन है तो सॉल्व हो जाएगा। और इसलिए देखो सॉल्यूशन कैसे सजेस्ट कर रहा हूं मैं, कि पहले इन दोनों को इक्वेट करो, अगर इन दोनों को इक्वेट करोगे तो सबसे पहले स्टेप में तो प्रॉपर्टी लग गई। क्या प्रॉपर्टी लगी कि इंटीजर क्वांटिटी जो होती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर आ सकती है, तो यहाँ भी बाहर निकाल लिया और यहाँ भी बाहर निकाल लिया। अब ये बाहर निकालने के बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा, इसलिए कितना बन रहा है 18 बन रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से एक सिंपल सी इक्वेशन आ रही है मेरे पास कि 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 17 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो कि 3 पहले से बाहर था इसलिए बाहर है यहाँ पे, लेकिन 2 अंदर था ना तो ऑटोमेटिकली बाहर नहीं आ सकता। कांस्टेंट अगर एडेड या सब्ट्रैक्टेड है तो ही बाहर आ सकता है, मल्टीप्लाइड है तो बाहर नहीं आता है। और क्योंकि मल्टीप्लाइड है इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ से आप क्या देखते हो कि मुझे कुछ तो अब आगे सिंप्लीफाई करने के लिए सोचना होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सी मी? Just a minute. All right, I think everyone दिख रहा है सबको सब कुछ। चलो तो देखो यहाँ पे मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ अभी कि ऐसा करो सिंप्लीफिकेशन के लिए फिर से यही वाली प्रॉपर्टी यूज करो कि x क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। और ये क्योंकि लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बार बार बक्से बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसको क्या लिख लो i प्लस एफ। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रल पार्ट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, और f क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शनल पार्ट मतलब फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो अगर आप ऐसा रिप्लेस करते हो यहाँ पे तो फिर क्वांटिटीज क्या बनने वाली समझ में आ रहा है। x के प्लेस में अगर मैंने i प्लस एफ डाल दिया तो ऐसा कुछ बनेगा ये एक्सप्रेशन, और वैसे भी x के प्लेस में ये डाला तो ऐसा कुछ बनेगा। इससे फायदा क्या होने वाला है कि फिर से प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। क्लियर है, क्योंकि 2i अपने आप में इंटीजर है और वो 2f के साथ एडेड है इसलिए वो बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर के आ जाएगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर आ गया, 2f अभी भी अंदर है। क्लियर है, और यहाँ से भी i बाहर आ गया तो 3i बना, लेकिन अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या जाने वाला था आगे, आगे क्या जाना चाहिए था f ने जाना चाहिए था, लेकिन f क्योंकि एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअली आगे और क्या है 3 टाइम्स ऑफ 0 है, 3 टाइम्स ऑफ 0, और वो 0 कहाँ से आया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर से आया। इतनी बात समझ में आई? तो अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, थोड़ा सा मुझे दिक्कत तो आएगा सॉल्व करने में क्योंकि 2f हो गया। अब 2f हो गया है तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं इसको 0 लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, यहाँ मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से 0 लिख पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बना था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f बना था। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 होता ही है, ये हमें पता है। ठीक है, लेकिन 2f अगर करोगे, जैसे कोई एक फ्रैक्शन इमेजिन करो, जैसे 3/4, 3/4 एक फ्रैक्शन है, उसको अगर 2 टाइम्स कर दोगे तो हो जाएगा 3/2, तो 3/2 तो 1 से बड़ा हो गया और उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्लियर है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि एक्चुअली मेरा f का वैल्यू कितना है, उस पर डिपेंड करेगा कि 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आना चाहिए कि 1 आना चाहिए। ठीक है, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए 2 ही केसेस बनेंगे। जो पहला केस है उसमें मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 और 1/2 के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे 1/4 है, 1/4 को इंटू 2 भी कर दोगे तो 1/2 बचेगा, 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे दिक्कत आ रही थी कि मैं 2f को क्या लिखूँ, वो अब मुझे समझ में आ गया कि 2f को इस केस 1 में मैं 0 ले सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से थोड़ा कुछ सेंस बन रहा है, चीज़ें हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है i का वैल्यू 17 आ रहा है। ठीक है, ये तो करते आगे सबको, i इधर उधर कर लो। अगर i का वैल्यू 17 आ गया और फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू 0 और ½ के बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, अभी एग्जैक्ट थोड़ी पता है मुझे। अगर ये कुछ भी हो सकता है तो इसका मतलब मेरा जो x जनरेट होगा, x क्या है i प्लस एफ है कि नहीं, x है i प्लस एफ, तो i तो फिक्स हो गया लेकिन f अभी हिल सकता है 0 और ½ के बीच में, इसका मतलब हमारा x भी हिल सकता है किसके बीच में 0 और ½ के बीच में। तो ओवरऑल उनको ऐड करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक हिलेगा x आपका 17 और 17.5 के बीच में। ठीक है, अच्छा अगर x आपका यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो फिर y बता सकते हो कैसा होगा। अब y वाला एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ से निकालो, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, है ना। ये किसके बराबर है y के तो बराबर है, तो y का आंसर मैं निकाल रहा हूँ अभी। नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x मतलब क्या है i का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, और इस पर्टिकुलर केस में i का वैल्यू आया 17 तो y का वैल्यू देखो निकल के आ रहा है 33। ठीक है, सिंपल है कैलकुलेशन, ट्राई करते जाओ, है ना। ऑलराइट, अच्छा मनीष पूछ रहा है क्वेश्चन कौन से बुक से है। अरे बुक तो हर बुक में मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, है ना, लेकिन जो बुक्स हमने स्टैंडर्ड डिस्कस की हुई है आप उनको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एक तो हमने डिस्कस किया था सिंगेज पब्लिकेशन के लिए जिसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कुछ क्लब कर दिए उन्होंने, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनके अंदर। दूसरा आप आर्यन पब्लिकेशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी बैक टू सॉल्यूशन आ जाओ। अच्छा, तो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 18। अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 17 यूज किया तो मेरे पास y की वैल्यू 33 आ गई। तो अब जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ये पूछ रहा है कि 3x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो सकता है। तो 3x प्लस वाई अगर कैलकुलेट करोगे तो x तो हिल रहा है ना, अभी x तो पता ही नहीं कितना है, लेकिन कोई बात नहीं, इंटू 3 कर दो तो वो कितने रेंज में हिलेगा। फिर अभी 0.5 की रेंज में हिल रहा था, इंटू 3 कर दिया तो 1.5 की रेंज में हिलेगा। ठीक है, उसके अंदर y ऐड कर दो तो मतलब 33 ऐड हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो इस बार जो आपका 3x प्लस वाई मूव करेगा वो 84 और 85.5 के बीच में मूव करेगा। ठीक है, अच्छा तो अब हमारे पास बहुत अच्छी रेंज आ रही है किसकी, इस वैल्यू की जिसका मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। अगर ये 3x प्लस वाई वाला पूरा वैल्यू 84 और 85.5 के बीच में हिलेगा तो फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या पॉसिबिलिटीज जनरेट कर सकता है ये सोचो। तो एक तो 84 खुद हो सकता है क्योंकि ये इंक्लूडेड है, स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, और अच्छा ये ऐसा होना चाहिए था, वैसे ये ओपन होना चाहिए था, ये एग्जैक्टली नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन 85 आ सकता है ना, 84 और 85.5 के बीच में 85 एक और इंटीजर आता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज निकलेगी स्टूडेंट्स, 84 भी आएगा और 85 भी आपके आंसर में आएगा। तो ये मोर देन वन वाला आंसर है। ठीक है काजल, कोई दिक्कत नहीं है, आपने लास्ट क्लास अटेंड किए नहीं है अगर, तो फिर आपको लास्ट क्लास पहले अटेंड करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो हम लास्ट क्लास की थ्योरी का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत आ रही तो यही इस मोड का सबसे अच्छा पॉइंट है। ठीक है, दैट यू कैन रिवाइंड अगेन एंड सी द सॉल्यूशन वंस अगेन। और अगर आपने लास्ट क्लास मिस किए तो यू कैन गो बैक इन द प्लेलिस्ट, फर्स्ट वॉच दैट क्लास एंड देन अगेन लुक एट दिस सॉल्यूशन, तब आपको पक्के समझ में आएगा। जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की थी क्या उनको समझ में आ रही है बातें? ऑल राइट, तो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं कुछ, तो टॉपिक क्या है? अच्छा टॉपिक ये जो चल रहा था हमारा वो तो स्पेशल फंक्शंस वाला था, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ऑल राइट बच्चों, चलो ठीक है, तो ये तो हुई पहला केस की बात। अभी प्रॉब्लम यही कि दूसरा केस भी है। ठीक है, अभी जो हमने इतना सारा डिस्कशन किया ये किस f के लिए किया था, 0 और ½ के बीच में अगर लाई करेगा तो उसके लिए किया था। अभी ½ और 1 बचा है ना, फ्रैक्शन अगर मैं कर रहा हूँ तो 0 से 1 तक जाता है, तो ½ और 1 के बीच में होगा तो 3/4 वाली प्रॉब्लम आएगी जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उस केस में क्या होगा, ये 2f का वैल्यू एक्चुअली क्या बनाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने के बाद 1 बनाएगा। ठीक है, तो केस 2 देखो, केस 2 में क्या लिख रहा हूँ मैं कि 2i प्लस 1 कर दिया मैंने, है ना, पहले क्या किया था 0 किया था, इस केस में केस 2 में क्या कर रहा हूँ 1 कर रहा हूँ। तो अगर आप ऐसा करोगे तो i का आंसर कितना निकल के आएगा आपकी बार, 18 निकल के आएगा। और i का आंसर अगर 18 निकल के आएगा और f आपका कहाँ से कहाँ तक हिल रहा है, f आपका ½ और 1 के बीच में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो x कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, 18 तो है ही, और 0.5 से लेके 1 तक अगर f मूव कर रहा है तो फिर 18.5 से 19 के बीच में आपका x मूव करेगा। अगर x कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा समझ में आ गया तो फिर y निकाल लेता हूँ पहले, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे तो ये वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन यूज़ किया था, इस बार फिर से इस पार्ट में भी, केस सेकंड केस में भी हम वही एक्सप्रेशन यूज़ करके आंसर निकाल रहे हैं। तो इस बार कैलकुलेशन करके देखोगे तो ये आ रहा है 91.5 से लेकर 93 तक, इसलिए इस बार के आंसर आएंगे 91 से 92। अब ये नहीं है ऑप्शन में तो नहीं करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, तो केस 1 जो था उसके दोनों आंसर्स ऑप्शन में हैं तो हमें एक्चुअली दोनों आंसर्स टिक करने होंगे। ठीक है, अगर बाय चांस यहाँ पर सेकंड के भी ऑप्शंस होते तो आपको चारों टिक करने पड़ जाते। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी होमवर्क डिस्कशन की बात। ठीक है, अच्छा न्यूटोनियन जो है वो चाह रहा है, क्यों न्यूटोनियन आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया था? इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चल रहा है हमारा, ये अगर आपको समझ में आया ना, मतलब आपको फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत अच्छे से आया है समझ में। ठीक है, तो अगर आपको लगा कि ये सॉल्यूशन हमने थोड़ा फास्ट डिस्कस किया है तो थोड़ा सा आप रिवाइंड करके इसको फिर से एक बार देख सकते हो, लेकिन ज़रूर समझ लेना इस क्वेश्चन को क्योंकि ये 2 पार्ट्स में सॉल्व हो रहा था। ठीक है बच्चों, ऑल राइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का मेन कंटेंट विच इज़ एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स ये सबसे सिंपल कंटेंट है, यहाँ से एक्चुअली आपका 11th का टॉपिक मेन स्टार्ट हो रहा है, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है, करें शुरू। ऑल राइट प्रिलिप को, हाँ तो देखो यहाँ पर बच्चे थोड़े फॉरेन ऑथर्स के भी नाम ले रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि हमें फॉरेन ऑथर्स पता नहीं है, है ना, वहाँ पर आप बहुत सी बुक्स हैं जो रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में एस एल लोनी है है ना, प्रीलिम को में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। और आपके पास बाकी फिर हॉल एंड नाइट होती है अलजेब्रा के लिए, बर्मन है आपके पास प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अब हो क्या गया है कि ये सब बुक्स जो एक्चुअली बहुत अच्छी हैं, इनसे अच्छे अच्छे इनपुट्स और अच्छे क्वेश्चंस लेकर ऑलरेडी आज की जो अच्छी बुक्स है उनमें सब इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है, ठीक है। तो और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। आप अगर देखोगे तो ऐसी फॉरेन ऑथर्स की बुक में काफ़ी सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो जेई के लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन शायद 85% रेलेवेंट है, 15% रेलेवेंट नहीं है, तो आप ढूंढोगे, है ना। इससे अच्छा क्या है, जो एक ऑथर है, जो भी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन के मैंने नाम लिए थे, उन ऑथर्स ने ऑलरेडी वो मेहनत की हुई है, जो रेलेवेंट कंटेंट था उठा के उन्होंने अपने इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया है और अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट कर लिया है। इसलिए हम यहाँ पर फॉरेन ऑथर्स वैसे सजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप उनको रख सकते हो, क्योंकि पहली बात तो वो जो बुक्स हैं वो बहुत ही चीप हैं, ठीक है, क्योंकि कंटेंट अच्छा है लेकिन काफ़ी पुरानी बुक्स हैं, और वो जो पब्लिकेशंस हैं वो सिंपल और सस्ते में मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा कंटेंट चाहिए उसमें, लेकिन प्रिंट वगैरह का इशू आएगा, प्रिंट इतना अच्छा होता नहीं, दिखता नहीं है, ठीक है। तो यू कैन गो फॉर दोज बुक्स, बट वी स्टिल सजेस्ट कि आप स्टैंडर्ड वाले जो पब्लिकेशंस हैं उनको फॉलो करो, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यस, बात करते हैं थोड़ी देर में, अभी थोड़ा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंगल्स, तो एंगल के बारे में आपको क्या पता है? देखो एंगल क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। एंगल क्या करता है? एंगल बेसिकली बताता है कि मैंने रोटेशन कितना किया। ये बात पता है कि नहीं सबको, है ना? सबको ये पता है कि 30 डिग्रीज क्या होता है, 60 डिग्रीज क्या होता है ना। लेकिन जब उनसे इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एंगल क्या होता है, तो नहीं बता पाते, है ना, कि एंगल है क्या। तो एंगल बेसिकली क्या है? इट इज़ मेजर ऑफ रोटेशन। आप एक रे को कितना रोटेट कर रहे हो, वो मेजरमेंट कोई तो होगा ना। अगर मुझे लेंथ मेजर करनी है तो फिर मैं बता देता हूँ, अच्छा ठीक है ये आधे मीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है, जो भी मेरे पास है ना, वैल्यू, वैसा मेरे पास आंसर आता है। तो क्या है, लेंथ मेजर कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर एंगल क्या मेजर करता है? एंगल आपका रोटेशन मेजर करता है। और रोटेशन अगर आपको मेजर करते हुए देखना है, ध्यान दो, तो दो तरीके से कर सकते हो ऑब्वियसली, है ना, बिल्कुल ही बेसिक है। या तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट ले सकते हो एंगल का, ठीक है, कि आपने रोटेशन कहाँ किया रे का, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया। वो पर्टिकुलर हमने डिसाइड करके रखा है कि इस पर्टिकुलर केस में जो भी आंसर आएगा उसको हम पॉजिटिव एंगल मानेंगे, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। और ऐसे ही जो आपके पास रोटेशन हो सकता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी तो हो सकता है। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने रे को रोटेट किया है और कहीं रोका है, और आप अगर वो देख रहे हो मेजर कि आपने कितना रोटेट किया है, तो आप मेजर कर लो, ठीक है। लेकिन फाइनली आपको नेगेटिव आगे उसके लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने रोटेशन का सेंस चेंज कर दिया है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव रोटेशन एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव रोटेशन, ऐसा डिसाइडेड है। तो आप भी ये कन्वेंशन फॉलो करोगे तो आपके सारे मैच करेंगे, सबके आंसर्स, ठीक है। ऑलराइट, जैसे अगर मुझे 30 डिग्री बनाना है तो मैं ऐसे ही बना दिया, और अगर वैसे ही बना दिया तो लड़ लेंगे हम, है ना, कि अब कौन सा वाला सही है। तो हमने पहले ही बोल दिया कि ये वाला जो है 30 नहीं, ये वाला -30 है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक बात हो गई। अब ये बताओ कि अब कोई भी चीज़ अगर हमें मेजर करनी होती है तो उसके लिए कोई ना कोई एक सिस्टम होता है मेजरमेंट का, ठीक है, और उनमें यूनिट्स होती है, ठीक है। तो जो पहला सिस्टम आपको पता होना चाहिए यूनिट एंगल के मेजरमेंट का, वो आप बचपन से यूज़ करते आ रहे हो, विच इज़ डिग्रीज, ठीक है। अभी तक आपने जो भी एंगल बनाया है आपने डिग्रीज में बनाया है कि नहीं, ठीक। अच्छा, जो पूछ रहा है ट्रिग्नोमेट्री कितने लेक्चर का है, तो बहुत ही बड़ा लेक्चर है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो है काफ़ी लेक्चर्स लगेंगे इसको करने में, और कोई कंपैरिजन नहीं है। जो आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री सीखा है वो तो एक ही लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नया ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे वो समझ में आएगा आपको, अच्छा इतना कुछ भी होता है क्या ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो कहानी बहुत बड़ी है ना, तो लगे रहो, है ना, सुनते रहो, तो आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। इसकी टेंशन मत लो कि कितने लेक्चर लगेंगे, हमें तो रोज़ पढ़ना है, तो रोज़ पढ़ने में जितना कवर हो जाएगा कर लेंगे सब, ठीक है। ज़्यादा टाइम लग जाए, ज़्यादा टाइम ले देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ आ जाते हैं कि अगर मुझे एंगल मेजर करना है तो फिर मैं डिग्रीज़ में एंगल मेजर करता हूँ। और ये वाला डिवाइस भी पता है सबको, प्रोटेक्टर, ये यूज़ करके आपने एंगल्स बनाए होंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दो कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, हम बेसिकली डिग्रीज़ क्या होता है वो समझना चाह रहे हैं सबसे पहले तो, ठीक है। अच्छा, ये किन लोगों ने डेवलप किया था, तो इंग्लिश लोगों ने डेवलप किया था। ये पता हो तो भी ठीक है, नहीं पता है तो भी चलेगा, कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है, लेकिन जस्ट पता होना चाहिए, इसलिए हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, रेड से आपको एक एंगल बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। एक रे आपकी हॉरिजॉन्टल जा रही है, एक रे आपकी वर्टिकल जा रही है, तो उनके बीच में एक एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। वो राइट एंगल की मदद से डिग्री एक्चुअली डिफाइंड है है ना। तो डिग्री क्या है पता होना चाहिए ना पहले तो हमें। तो डिग्री डिफाइन कैसे किया इन्होंने, उन्होंने एक राइट एंगल को लिया और उस राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ठीक है, क्या किया, राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए और उसमें से जो एक बहुत छोटा पार्ट बना उसको उन्होंने नाम दिया 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो शायद बना भी नहीं सकता। ये जो इतना सा दिख रहा है ना, जो छोटा सा दिख रहा है वहाँ पे, वो 1 डिग्री है। ठीक है, और ऐसे कितने डिग्रीज हो जाएंगे फिर, 90 डिग्रीज हो जाएंगे क्योंकि 90 इक्वल पार्ट्स की, और ऐसे 90 डिग्रीज को आप कनेक्ट कर दोगे तो एक पूरा राइट एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे पास ये पहली इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, ऑल्दो ये सबको पता है लेकिन फिर भी कहानी सुनो क्योंकि आगे वाले सिस्टम नहीं पता है आपको, और आगे वाले सिस्टम में भी सेम इक्वेशन आने वाली। ठीक है, तो जो पता है उसके बाद उसके साथ में चीज़ों को समझते जाओ। अब डिग्री तक तो ठीक था, डिग्री कौन सा वाला, ये बहुत ही छोटा वाला जो है ना वो डिग्री है। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद किसी को ज़रूरत पड़ी कि अगर मुझे 1 डिग्री से भी छोटा एंगल मेजर करना है तो मैं कैसे करूँगा। जैसे कभी कभी हमें लेंथ में ज़रूरत पड़ती है ना, ये अगर मेरे पास, कहाँ दिख रहा है पेन, दिख रहा है सबको, ये जो मेरे पास एक पेन है, ठीक है, इसको मैं मेजर तो किलोमीटर में भी कर सकता हूँ लेकिन करता नहीं हूँ ना, इसको मैं सेंटीमीटर में मेजर करूँगा। ठीक है, तो किलोमीटर से छोटी यूनिट मीटर, उससे भी छोटी यूनिट की ज़रूरत पड़ रही है हमें। ठीक है, तो वैसे कुछ बोला इन्होंने कि अच्छा ठीक है 1 डिग्री तो बनाते आ गया, अब इससे छोटा अगर एंगल मुझे चाहिए होगा तो मैं कैसे मेजर करूंगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या सजेस्ट किया, देखो कि 1 डिग्री बना हुआ है आपके पास, उस 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स करो। मतलब बहुत ही छोटा हो गया, और 1 डिग्री ऑलरेडी इतना छोटा है, उसके और 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए हमने, और उस एक पार्ट को उन्होंने 1 मिनट नाम दिया। ठीक है, और क्योंकि वो एक पार्ट 1 मिनट है और ऐसे 60 पार्ट्स मिलके 1 डिग्री बन रहा है, इसलिए 60 मिनट्स मिलके 1 डिग्री बनता है। ये हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, और मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा ऊपर डैश लगा के करते हैं, डिग्रीज को ऊपर ऐसा ओ लिख के करते हैं। ठीक है, डिग्रीज तो मेरे ख्याल से पता ही सबको, मिनट्स का लेकिन पता कर लो। और किसी को ज़रूरत पड़ी कि अच्छा 1 मिनट से भी छोटा अगर एंगल मेजर करना पड़ा मुझे तो क्या करेंगे, है ना। प्रैक्टिकली तो मुझे आज तक लगा नहीं है कभी, लेकिन ज़रूरत पड़ती है चलो साइंटिस्ट लोगों को। ठीक है, और पड़ती होगी डेफिनेटली, है ना, क्योंकि अगर देखो आप ऐसा सोचो कि आपको बेसिकली यहाँ से अर्थ से लेकर मून तक जाना है, और अगर आपने छोटा सा भी एंगल अगर गलत कर दिया, है ना, छोटा सा एंगल भी अगर आपने गलत कर दिया तो फिर इतना दूर डिस्टेंस ट्रैवल करते करते आप मून की जगह कहीं और ही पहुँच जाओगे। क्लियर है, तो छोटे एंगल की भी ज़रूरत है। प्रैक्टिकली हमें समझ में नहीं आता कि इतने छोटे एंगल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, लेकिन लगी हमें ज़रूरत। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या बोला कि अच्छा ठीक है 1 डिग्री का ऑलरेडी 60 कर चुके हो, उसमें से एक पार्ट उठाओ, उस पार्ट के और 60 पार्ट्स कर दो। वो जो एक पार्ट मिलेगा आपको बहुत ही छोटा वाला, उसको हम 1 मिनट बोले, वो उसको हम 1 सेकेंड बोलेंगे, उसको हम 1 सेकेंड बोलेंगे। और ऐसे क्योंकि हमने 60 पार्ट्स किए थे, इसलिए 60 पार्ट्स मिलके 1 मिनट बनाता है। ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, तो सिस्टम क्या है, सिस्टम का नाम इंग्लिश सिस्टम या फिर सेक्साडेसिमल सिस्टम है, जिसमें डिग्रीज हमें पहले से पता था, छोटे वाले और पता कर लो कि इससे भी छोटा कुछ एग्जिस्ट करता है। इतनी बात आ रही समझ में, तो इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, एक अगर मैं इस तरह से आपके पास वैल्यू ले रहा हूँ, ऑलराइट, सोना क्या बोल रहे थे, अच्छा सोना पूछ रही है कि बाकी चैप्टर्स कहाँ हैं, तो आप क्या करो, अनअकैडमी जेई का जो चैनल है उसमें हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है, प्लेलिस्ट में 11th के सेक्शन में चले जाओ, वहाँ पर आपको फंक्शंस और वेविकर वाले लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, ऑलराइट, ट्रिग्नोमेट्री, हाँ आयुष बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही औसम है, हाँ बिल्कुल है ना, लेकिन देखते जाओ कि आपको एंड तक कितना पसंद आता है, बहुत सारा हमें पढ़ना है एक्चुअली। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर किसी को 10th की वजह से अच्छा लगता है तो अच्छा है वैसे तो, लेकिन यहाँ का कंटेंट भी आप एब्जॉर्ब करोगे, इतनी कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जेई की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा कुछ तो ज़्यादा आपको कंटेंट एब्जॉर्ब करने की और रिटेन करने की आदत डालनी है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम यहाँ पर आप बार बार चीज़ों को देख सकते हो, टीचर को बोलते हुए सुन सकते हो। क्लासरूम में टीचर एक बार बोल के चला जाता है तो थोड़ा सा रिटेंशन कम होता है। ठीक है, ऑलराइट, चलो वापस आते हैं इसके ऊपर, कमेंट्स बाद में देखता हूँ। ऑलराइट, तो मुझे क्या करना है, मुझे 36.465 डिग्रीज को कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये ऑलरेडी डिग्रीज में लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको अगर 10.5 मीटर्स को कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो 10.5 में 10 तो मीटर्स ही हो गए, बाकी 5.5 आपके पास क्या हो गया, 0.5 मीटर्स हो गया, 0.5 को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, 100 मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही कुछ है, ये ऑलरेडी डिग्रीज में लिखा हुआ है तो कुछ एक पोर्शन तो डिग्री में है ऑलरेडी, इसका कितना डिग्री में है 36 तो डिग्रीज है इसके अंदर ऑलरेडी, दिख रहा है सबको, लेकिन एक्स्ट्रा कितना है 0.465 डिग्री इसके अंदर एक्स्ट्रा है। तो हमने क्या बोला था, जब भी 1 डिग्री से कम मेजर करने की जरूरत पड़ेगी आप किस में मेजर करोगे, उसको मिनट्स में मेजर करना स्टार्ट करोगे। तो ये 1 से कम हो गया, फ्रैक्शन हो गया मतलब 1 से कम हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या था, देखो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन था वो ये था कि 1 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है तो वो 60 मिनट के बराबर होता है, ठीक है, 60 मिनट के बराबर होता है। इसका मतलब अगर मुझे इतने डिग्री को कन्वर्ट करना है तो मुझे इंटू 60 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटू 60 में करता हूँ यहाँ पे, जैसे ही मैंने इस नंबर को इंटू 60 किया मेरे पास जो पूरा एक्सप्रेशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, देखो यहाँ पे डैश लगाया मैंने, इसका मतलब मिनट में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है। तो वो क्वांटिटी कितनी आती है मल्टीप्लाई करके, तो वो आती है 27.9, ठीक है। ऐसे कुछ हम कन्वर्ट करते जाएंगे, इस चीज़ को क्या कर रहे हैं हम अलग से डिग्री मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 27 मिनट्स तो कंप्लीट हो गए लेकिन 0.9 और है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसको फिर से 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लो, 36 डिग्रीज पहले से अलग हो गया था, 27 मिनट्स अलग हो गया है और अभी 0.9 मिनट और बचा है, लेकिन अगर ये 1 मिनट से कम हो गया है इसका मतलब मैं इसको सेकंड्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और सेकंड्स में करने के लिए फिर से हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर जो है वो कितना है 60 ही है इस केस में भी, तो इंटू क्या करना पड़ेगा मुझे फिर 60 करना पड़ेगा। और जैसे मैंने 60 कन्वर्ट मल्टीप्लाई किया मैंने नोटेशन चेंज कर दिया, डबल डैश लगा दिया, डबल डैश रिप्रेजेंट्स सेकेंड्स, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया बेसिकली कि अच्छा ठीक है ये जो डेसिमल में लिखी हुई क्वांटिटी थी उसको हम अच्छे से ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 36 डिग्रीज 27 मिनट्स एंड 54 सेकंड्स, ये वाली बात आ रही है आपको समझ में। अब है 2187.9 क्या बताना चाह रहे हो सिद्धि? ऑलराइट, अच्छा पूरा, अच्छा आपने पूरा को पूरा कन्वर्ट कर दिया क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है डिग्री मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं 10.5 वाले का एग्जांपल ले रहा था ना, जैसे 10.5 मीटर्स, तो उसको ऐसा डायरेक्टली 100 मल्टीप्लाई करके मीटर्स में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट नहीं करना है। उसको 10 मीटर्स को तो अलग निकाल लो, अब जो 0.5 मीटर से बस उसी को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर्स में, ऐसा मैं चाह रहा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो कि प्रॉब्लम क्या हो गई है। हाँ अनुस्तूप, आई बात समझ में आपको शायद, है ना? बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो और बाकियों को आ रही बात समझ में। सुमित, अनुभव, इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे कन्वर्जन फैक्टर अच्छा नहीं मिला है, मुझे 60 मिला है कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है, और 60 मल्टीप्लाई करने में मुझे एक्चुअली कैलकुलेशन करना पड़ती है। जबकि अगर मैं ये सोचूँ कि मुझे अगर मीटर्स टू सेंटीमीटर्स में कोई पूछ रहा होता, लेट से मैं यही नंबर उठा लेता हूँ, ये बिल्कुल ही रैंडम एग्जांपल करके बता रहा हूँ मैं, जस्ट कि आपको समझ में आया कि कन्वीनियंस कैसे इंप्रूव हो सकता था। अगर मेरे पास ये होता कि ये 36 पॉइंट नंबर्स बिल्कुल सेम ले रहा हूँ मैं, इतना मीटर्स होता 36.465 मीटर होता और मैं इसमें क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, बोलता हूँ इसको मीटर्स, सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में चेंज करो, तो बहुत ही आसान हो गया होता क्योंकि यहाँ पे 36 तो मीटर्स है प्लस कितना हो गया होता आपके पास 0.465 मीटर्स होता। अब मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं इंटू 100 करते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई करना कितना आसान है ना। 60 के लिए तो एक्चुअली कैलकुलेशन करनी पड़ती है, 100 के लिए नहीं करनी पड़ती। 100 मल्टीप्लाई करना है मतलब ये कितना हो जाएगा 46 सेंटीमीटर्स तो कंप्लीट हो जाएगा और 0.5 सेंटीमीटर और बचेगा, आ रही बात समझ में। तो अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना फिर से आसान है, तो 36 मीटर्स 46 सेंटीमीटर्स एंड 5 मिलीमीटर्स, ये कन्वर्जन कितना आसान हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे जो कन्वर्जन फैक्टर था 100 और 10 वो बहुत कन्वीनियंट था, बात आ रही समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये कन्वर्जन फैक्टर का और क्या फायदा हुआ कि यहाँ पर जो न्यूमेरिक वैल्यू थी ना 36 46 5 वो चेंज नहीं हुई, जबकि यहाँ पे देखो क्या था 36 46 5 था, यहाँ पे 36 तो है ठीक है चलो, लेकिन यहाँ 27 हो गया है, 54 हो गया, सब गड़बड़ हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो गई है, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉब्लम समझ में आई हमें डिग्री मेजरमेंट वाले सिस्टम में, ये हमने सॉल्व करने की कोशिश करी विथ अनादर मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स लोगों ने देखा इस बात को कि यार ये कन्वर्जन जो है ये आसान नहीं है, इस टाइप का कन्वर्जन आसान होता है जहाँ पे 100 या फिर 10 इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि अच्छा चलो ठीक है हम ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम भी राइट एंगल से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे डिग्री वालों ने किया था, इंग्लिश लोगों ने जैसे किया था वैसे फ्रेंच लोग भी बोल रहे हैं अब कि अच्छा ठीक है हम भी राइट एंगल से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों ने 90 इक्वल पार्ट्स किए थे, हम 100 कर लेते हैं, ये बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, वो जो कैलकुलेशन में दिक्कत आई ना उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, और इस यूनिट का नाम क्या है, ग्रेड नाम है, ठीक है। तो जैसे हम 100 डिग्रीज बोलते हैं या 90 डिग्रीज बोलते हैं, वैसे यहाँ पे हम ग्रेड में बोलेंगे, क्लियर है। तो अब इन्होंने क्योंकि एक राइट एंगल के 100 इक्वल पार्ट्स किए थे, इसलिए एक पार्ट को, और वो क्या बोल रहे हैं, वन पार्ट इज वन ग्रेड, ऐसा बोल रहे हैं। अब 100 पार्ट्स मिलके 90 डिग्री बनाएंगे ना, इसलिए 100 ग्रेड मिलके वन राइट एंगल बनाएंगे। ऐसा हमारा पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन आया, ठीक है। ये पहले भी किया था हमने, तो आई थिंक अब आपको बातें समझ में आएंगी। फिर वो क्या बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपको वन ग्रेड से भी छोटा मेजर करना है क्या, तो वन ग्रेड से भी अगर छोटा मेजर करना है तो जो एक पोर्शन आया है उसको 60 में डिवाइड मत करो, है ना, डिग्री वालों ने 60 में डिवाइड कर दिया था। ये बोल रहे हैं कि उसको भी 100 में डिवाइड करो ना, क्या दिक्कत है, उसको भी 100 में डिवाइड करो। और क्योंकि 100 में डिवाइड किया है और एक पार्ट को 1 मिनट बोल रहे हो, तो ऐसे 100 मिनट मिलके आपको कितना मिलेगा, 100 मिनट मिलके आपको 1 ग्रेड मिल जाएगा, क्योंकि आपने एक ग्रेड के ही पार्ट्स किए थे 100। वैसे ही अगर आपको और छोटा चाहिए तो आपको जो 1 मिनट मिला हुआ है, देखो नाम यहाँ पे चेंज नहीं किया उन्होंने, ठीक है, तो ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, इसका मिनट और सेकेंड्स और उसका मिनट्स और सेकेंड्स एक्चुअली अलग अलग हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, अच्छा ठीक है, हमारा वाला जो 1 मिनट आया है उस 1 मिनट के और आप क्या करो 100 पार्ट्स कर लो, उसमें से जो एक पार्ट आएगा उसको बोलते हैं 1 सेकेंड। तो ऐसे 100 सेकेंड्स मिलके क्या हो जाएगा, 1 मिनट वाला इक्वेशन आ जाएगा, क्लियर है। मतलब कभी भी आपको 1 मिनट को कन्वर्ट करना है तो वो क्या हो जाएगा, 100 सेकेंड्स हो जाएगा। आपको 5 मिनट्स को कन्वर्ट करना है तो 500 सेकेंड्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कन्वर्जन आसान है, क्योंकि इन 200 करना, डिवाइड बाय 100 करना आसान है। लेकिन यहाँ पे देखो नोटेशन भी सेम है, नाम भी सेम है, सिंगल डैश मतलब मिनट है और डबल डैश मतलब सेकेंड्स है, ठीक है। लेकिन ग्रेड वाला जो नोटेशन है वो चेंज हो गया है, ऊपर हम डिग्री में ऐसा और जैसा कुछ बनाते थे, यहाँ पे जी बना रहे हैं, क्लियर। तो ये नया सिस्टम आ गया, लेकिन इस ग्रेड सिस्टम में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमें तो आदत पड़ गई डिग्री यूज़ करने की। प्रॉब्लम क्या समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि हमें आदत पड़ गई है ऑलरेडी डिग्री यूज़ करने की, है ना। आपने शायद 6th ग्रेड से ही एंगल्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो आपने अभी तक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इतने बार बनाया है कि जैसे ही मैं बोलता हूँ 65 डिग्री तो आपके दिमाग में एक पिक्चर ऑलरेडी बन जाता है ना, कि 60 डिग्रीज मतलब क्या, अच्छा 45 डिग्री मतलब क्या, 90 डिग्री अच्छा मतलब वर्टिकल कुछ तो जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये जो दिमाग में पिक्चर बन रही है वो आप बेसिकली मेंटेन करना चाह रहे हो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो रही है ग्रेड मेजर के साथ में, वो बता रहा हूँ कि आप ऑलरेडी क्योंकि एक पिक्चर बना चुके हो तो आप डिग्री को चेंज नहीं करना चाह रहे हो। यू विल प्रिफर doing this calculation, lengthy calculation, rather than adopt a new system। और यही सबने फेस किया था, इसलिए ग्रेड सिस्टम को ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिला नहीं है और इसलिए हम अभी जाके समझ रहे हैं ना, नहीं तो इसके पहले हमने कहीं तो भी इसका यूज़ कर लिया होता पिछले 5 साल में, क्लियर है। चलो, लेकिन मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आई कि इन्होंने कन्वीनियंस कैसे बढ़ाया, क्लियर है। लेकिन अब जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअली यहाँ का 90 ग्रेड और वहाँ का 90 डिग्री एक्चुअली अलग अलग चीज़ है। अगर मैं 90 ग्रेड बोलूँगा तो वर्टिकल लाइन नहीं बनेगी, 100 ग्रेड बोलने पे वर्टिकल लाइन बनेगी, क्योंकि वर्टिकल लाइन तो 1 राइट एंगल पे बनती है, क्लियर है। इसलिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि मैं डिग्री और ग्रेड को अगर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, एक दूसरे में समझना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है मेरे पास, क्या है कि 1 राइट एंगल कितना होता है मुझे पता है, 1 राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्रीज था ही पहले से, और ये जो नया इक्वेशन है ये बोल रहा है कि ये 100 ग्रेड है, तो मतलब ये आपस में इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही राइट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर है। तो अगर मुझे इस इक्वेशन से 1 डिग्री की वैल्यू पता करनी है तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 90 से डिवाइड कर देता हूं, तो यहाँ 1 डिग्री बचेगा ना बस। दोनों साइड अगर 90 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 10/9 ग्रेड, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछ रहा है एक्स डिग्रीज हैं उसको कन्वर्ट करके बताओ ग्रेड में, तो आपको क्या करना है, एक्स के अंदर 10/9 मल्टीप्लाई कर देना है बस, 10x/9। अगर ऐसा एक न्यूमेरिक वैल्यू बनाओगे तो वो ग्रेड में इक्वल एंगल बताएगा, ठीक है। और अगर मैं 1 ग्रेड जानना चाह रहा हूँ कि 1 ग्रेड मतलब कितना, तो 1 ग्रेड के लिए यहाँ पे 1 बनाना है ना आपको ग्रेड के साथ में, तो यहाँ पे क्या कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 9/10 डिग्रीज हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे एक्स ग्रेड को कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है डिग्रीज में, तो आप दोनों साइड एक्स मल्टीप्लाई करके देखो क्या हो रहा है, 9x/10 डिग्रीज बन जाएगा। आई बात समझ में। तो ये कन्वर्जन फैक्टर अगर याद रखोगे तो आपको एंगल कन्वर्ट करके याद करते आएगा कि अच्छा ठीक है, ये अगर बोल रहा है, लेट से एक एग्जांपल लेते हैं, 81 डिग्रीज अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि ग्रेड में कितना होता है, तो हम कर सकते हैं, है ना, कन्वर्ट करके, क्योंकि हमें बातें समझ में आती हैं, ठीक है। तो 81 डिग्रीज ऑलरेडी है, मुझे चाहिए कि ये ग्रेड में कितना बनेगा, तो ये देखो कि डिग्रीज को ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना होता है, डिग्रीज को ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10/9 क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी होती है, बस इतना से ध्यान रखना है आपको। अगर इतना कर लोगे 10/9 मल्टीप्लाई कर लोगे 81 में, तो आपको बेसिकली ग्रेड का आंसर मिल जाएगा 10/9 मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट हो गया क्योंकि यहाँ से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 9 टाइम्स कैंसिल हो गया 90 ग्रेड बनेगा। ठीक है, तो 90 ग्रेड एंड 81 डिग्रीज आर सेम, ऐसा हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये यूनिट जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी नहीं, है ना, क्योंकि ये बस क्या कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रही थी, कुछ भी नया नहीं सोचा इन्होंने। कन्वीनियंस क्या प्रोवाइड किया, बस कि आपका कैलकुलेशन आसान हो रहा है, तो ये तो वेस्ट है। ठीक है, इसको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कन्वर्जन फैक्टर याद रखना कि कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप डिग्री में कन्वर्ट करके आगे कैलकुलेशन को प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन देखो क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल बात समझ में आ रही है, ABC मतलब कैसा दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC क्या बोल रहा है, ये B पर राइट एंगल है तो वैसा ही कुछ बनाया मैंने। एंगल A इन डिग्रीज, है ना, एंगल A कुछ तो होगा, लेटेस्ट से x डिग्रीज होगा, एंड एंगल B इन ग्रेड्स। अच्छा, एंगल B नहीं एंगल C होना चाहिए क्योंकि B तो क्या है, B तो राइट एंगल है। एंगल C इन ग्रेड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो एंगल C अगर मैं ग्रेड में लिखूंगा तो पहले कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है, लेकिन क्या बोलना चाह रहा है वो मुझे समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो न्यूमेरिक वैल्यू x दिख रही है और यहाँ पर जो न्यूमेरिक वैल्यू x दिख रही है लेकिन ग्रेड में। ठीक है, ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं, यहाँ भी x है वहाँ भी x है। अगर ऐसा है तो फिर वो बोल रहा है कि एंगल A फाइंड करके बताओ। क्वेश्चन आई बात समझ में? अगर क्वेश्चन समझ में आया तो फिर हम स्टार्ट करें इसको आगे। अच्छा, सुमित पूछ रहा है लॉगरिथम कब से स्टार्ट होगा। बेटा लॉग खत्म कर दिया है हमने, है ना, तो आपने अगर लाइव क्लास मिस कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आपके पास, है ना। 11th के प्लेलिस्ट में जाके आप लॉग पढ़ सकते हो। ठीक है, आई थिंक वो 11th फंक्शंस में 5th लेक्चर होगा शायद, है ना, लेकिन एक बार प्लेलिस्ट में देख लो, आपको मिल जाएगा लॉग। ठीक है, चलो आ जाओ फिर से यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया कि यहाँ पर डिग्रीज में अगर आप एंगल बताओगे और यहाँ पर ग्रेड में अगर एंगल बताओगे तो न्यूमेरिक वैल्यू उनकी सेम होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया शायद सॉल्व करना, है ना, देखते हैं इसमें क्या आंसर निकल के आता है। तो मुझे क्या पता है, मुझे तो ये पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है ट्रायंगल की। इसका मतलब अगर मैं ऑलरेडी एंगल A को x डिग्रीज बोल चुका हूँ तो एंगल C जो है एटलीस्ट डिग्रीज में तो मुझे पता है ना कितना होगा, वो कितना हो जाएगा 90 - x हो जाएगा कि नहीं डिग्रीज में। आ रही बात समझ में? 90 - x डिग्रीज हो जाएगा क्योंकि ऊपर x हो गया, यहाँ 90 हो गया, यहाँ 90 - x बचा है। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर आप इसको ग्रेड में कन्वर्ट करोगे ना, तो कर लेते ग्रेड में कन्वर्ट। तो ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या सीखा है, क्या हमारा कन्वर्जन फैक्टर है ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए, कहाँ था? अगर आपको डिग्रीज को ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 10/9 मल्टीप्लाई करना है उसके अंदर। ठीक है, तो 10/9 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे ही आपने 10/9 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है कि एंगल C का ग्रेड में जो आंसर है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू को देखो, मतलब केवल ग्रेड को भूल जाओ ऊपर से, बस इस वैल्यू को देखो, ये x के बराबर आएगा, ऐसा इक्वेशन बनवा रहा है वो हमसे। ठीक है, तो बना लेते हैं x जो न्यूमेरिक वैल्यू है और 90 - x इंटू 10/9 जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो इक्वल है। ठीक है, तो कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x आएगा और इधर क्या हो जाएगा 900 - 10x, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, अगर ऐसा है तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरफ इसको लेके आते हैं, ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना। अगर मैं इस साइड लाऊंगा तो ये हो जाएगा 19x = 900, तो मतलब x आ गया मेरे पास, 900/19 कुछ तो होगा। ठीक है, देखते हैं एक बार फिर से इसको, आई क्या बात समझ में? आयुष 45 नहीं, हेमंत 50 ना, हाँ, कौन से क्वेश्चन का आंसर बता रहे? इस केस में ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, क्या किया है समझते हैं फिर से, चलो। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या बोल रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल में B पर तो 90 डिग्री है, उसको हटा दो अलग, बाकी जो दो एक्यूट एंगल बचे हैं उसमें से A एंगल का नाम अगर x डिग्रीज है, ठीक है, तो C का कितना होगा ये तो बताइए मुझे, 90 - x डिग्रीज होगा। लेकिन वो बोल रहा है कि इसको 90 - x डिग्रीज मत लिखो, इसको ग्रेड में लिखो। तो ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 10/9 मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया। अब ग्रेड में जो मेरा एक्सप्रेशन बना वो ये बोल रहा है कि जो भी ग्रेड में एक्सप्रेशन बनेगा उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज ए वाले का न्यूमेरिक वैल्यू। तो मतलब मैंने इक्वेट कर दिया फिर इन दोनों को, ठीक है। इक्वेट करने पर ऐसे कुछ तो इक्वेशन मिल रही है, इसको चेक करो और सॉल्व करो। तो ये बहुत ही अजीब सा फ्रैक्शन वाला कोई एक एंगल है, इसके ऊपर बेसिकली ऐसा कंडीशन जनरेट हो रहा है, ठीक है। आई इतनी बात समझ में? अच्छा वाई, अच्छा इंडियन चूजर जो है वो पूछ रहा है कि डायरेक्टली आपने x इज इक्वल टू ये क्यों नहीं किया। तो बेटा ये तो हम समझा रहे हैं, x इज इक्वल टू 90 माइनस x, ये इक्वेशन बनाना नहीं है। ये इक्वेशन क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। उसने बोला है कि अगर आप a एंगल को डिग्रीज में लिखते हो और c एंगल को ग्रेड में लिखते हो तो वो जो दोनों मैग्नीट्यूड्स में दिखते हैं वो इक्वल दिखते हैं, ठीक है। जो न्यूमेरिक वैल्यू उनकी दिखती है वो इक्वल दिखती है, ठीक है। अरे बात समझ में? इसका मतलब इक्वल नहीं है वो। अगर मैं 45 डिग्रीज बोल रहा हूँ और 45 ऑलरेडी यहाँ पे x डिग्रीज ले चुके हो तो बचा कितना एंगल C के लिए डिग्रीज के टर्म्स में 90 माइनस x बचा। लेकिन उसने तो ग्रेड में लिखा हुआ है ना कुछ, उसने ग्रेड में क्या लिखा हुआ है, उसने ग्रेड में कन्वर्ट करके देख लो। फिर इसको कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर क्या है 10/9। तो 10/9 जैसे आप 90 माइनस x में मल्टीप्लाई करते हो तो ग्रेड वाला आंसर आ गया। अब वो बोल रहा है कि ये जो ग्रेड में आंसर आया ना और वो जो ऊपर लिखा हुआ है डिग्रीज में आंसर ए का, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल है, ठीक है। इसलिए हमने इन दोनों को इक्वेट किया, डायरेक्टली ये नहीं किया हमने स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर ये करते तो 45 आता, लेकिन ये करना नहीं है, ये तो सीखना है हमें। आई बात समझ में? हाँ, अंबुज भी अच्छा मेथड बता रहा है। अंबुज ये बोल रहा है कि आप ऐसा करो कि एक्स ग्रेड्स है ना उसको डिग्रीज में चेंज, बहुत ही अच्छा बता रहा है, एक्स ग्रेड्स है उसको डिग्रीज में चेंज कर लो और तीनों का एंगल सम इक्वल टू 180 डिग्रीज कर दो। बहुत ही बढ़िया है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। और कोई सजेशन दे रहा है कुछ? मल्टीपल एंगल आइडेंटिटी होगा धीरे धीरे आदित्य, है ना, विद टाइम सारी चीज़ें हो जाएंगी। आई थिंक जल्दी आने वाला है वो भी। बढ़े आगे, ध्रुव आया समझ में? चलो मनीष, आयुष, नगामी क्या बोल रहे हो? आ रही बात है समझ में? चलो बहुत ही अच्छी बात है, बढ़ते हैं आगे फिर। तो अभी हमने दो सिस्टम सीखे हैं, एक सीखा है हमने डिग्रीज, एक सीखा है हमने ग्रेड, है ना। अब ये कुछ भी नहीं है इसके सामने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आगे आप जो भी कुछ पढ़ोगे ना मैथमेटिक्स, उसमें ये वाला जो एंगल मेजरमेंट है ये आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर है। हम अब डिग्री को भी भूलना चाह रहे हैं और इसको एडॉप्ट करना चाह रहे हैं, क्लियर है। लेकिन अब क्या हुआ है, बीच में है तो ग्रेड भी आया था ना, डिग्रीज के बाद ग्रेड आया था, लेकिन ग्रेड किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन रेडियन अडॉप्ट कर लिया और आगे वाले हायर मैथमेटिक्स में रेडियन ही यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो बेसिकली सोचा ना वो इंडिपेंडेंट तरीके से सोचा। इन्होंने राइट एंगल इन्वॉल्व नहीं किया कहीं पर, क्लियर है। इन्होंने क्या प्रॉपर्टी देखी एक सर्कल की, ठीक है। ये देखो स्टेटमेंट क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं पहले तो, है ना, फिर समझने की कोशिश करेंगे। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, है ना, आर्क अगर एंगल सबटेंड करता है तो आर्क अगर यहाँ पे मैं ए बी कंसिडर कर रहा हूँ तो एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर कैसे देखते हैं, सेंटर से उन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है, ठीक है, आर्क के एंड पॉइंट्स को। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क आपको एग्जैक्टली कितना लेना है, जो सर्कल का रेडियस है उतना ही लेना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो जो एंगल बनता है ना वो हमेशा कॉन्स्टेंट बनता है, ठीक है। कैसा बनता है, हमेशा कांस्टेंट बनता है। कोई सा भी रैंडम सर्कल बना दो, कोई सा भी रैंडम सर्कल बना दो, इसलिए यहाँ पे आर लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे 1, 2, 3 कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं लिखी, यहाँ पे आर लिख दिया मैंने कॉन्फिडेंस से, ठीक है। कोई सा भी सर्कल होने दो ये, अगर आपने लेंथ ऑफ आर्क एग्जैक्टली रेडियस के बराबर ली है तो लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, लेंथ, ठीक है। मतलब एक अगर रोप लोगे और इस सर्कल के ए बी आर्क के ऊपर अगर रोप आप डालोगे, ठीक है, विच इज़ फ्लेक्सिबल, और फिर उसको स्ट्रेच आउट करके यहाँ पे मेजर करोगे तो ओ ए के बराबर आएगी वो, ठीक है। तो ये जो आर्क का लेंथ है ये अगर रेडियस के बराबर आएगा तो वो जो आर्क एंगल सबटेंड करेगा दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड 1 रेडियन, दिस कांस्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड 1 रेडियन, ठीक है। ये सर्कल की प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पी नहीं है, थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। आई बात समझ में? अब प्रॉब्लम यह है कि ये तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब हमें समझ में नहीं आया ये। प्रॉब्लम क्या है कि हमने बचपन से डिग्री पढ़ी हुई है, अब अगर कोई मुझे एकदम से बता देगा कि आप 1 रेडियन प्लॉट करके बताओ तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि 1 रेडियन मतलब क्या, ठीक है। अगर कोई मुझसे बोल देगा 1.5 प्लॉट करके बताओ तो मैं और कन्फ्यूज होऊंगा शायद, ठीक है। क्योंकि 1 तो तब भी ठीक है कि मैं लेंथ ऑफ रेडियस काउंट करके कुछ कोशिश करूँगा, क्लियर है। इसका मतलब कोई भी हम नया यूनिट अगर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको रिलेट मुझे डिग्रीज से तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं डिग्रीज से रिलेट नहीं करूंगा 1 रेडियन को तो मुझे दिमाग में पिक्चर ही जनरेट नहीं होगा कि 1 रेडियन मतलब एक्चुअली कितना एंगल होता है, मतलब मैं कितना सोचूं एंगल। ठीक है, इसलिए जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है रेडियन क्या है समझ में आया पहली बात तो सबको। इट इज़ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक और सिंपल डेफिनेशन है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होता कितना है 1 रेडियन उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बस यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच इज़ 1 रेडियन। क्लियर है, अगर आपको ये समझ में आया तो फिर शायद आगे आप इस यूनिट को एक्सेप्ट कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर संगम बता रहा है इसका एग्जैक्ट वैल्यू है ना। ऑलराइट, तो कुछ बच्चों को पता है पहले से कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, तो हम ये एक्चुअली यहाँ तक पहुँच के देखते हैं कि ये वैल्यू आई कैसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 आर्क ले रहा हूँ मैं। एक आर्क मेरे पास ए बी है जिसका लेंथ एक्जैक्टली आर के बराबर है, और एक ए सी आर्क दिख रहा है सबको। ए सी आर्क मैंने बहुत ही स्पेशल वाला लिया है। ए सी आर्क क्या है? 90 डिग्री बनवाने वाला आर्क है। ठीक है, तो 2 आर्क अगर मैं ले रहा हूं तो 2 अलग अलग एंगल सबटेंड हो रहे हैं सेंटर पे। एक एंगल क्या हो गया? ए ओ बी एंगल हो गया सबटेंड बिकॉज ऑफ ए बी आर्क, और एक एंगल ए ओ सी हो गया बिकॉज ऑफ ए सी आर्क। ठीक है, तो ये दोनों एंगल के बीच में क्या मैं कोई रिलेशन लिख सकता हूं क्या? तो उसके लिए हमें सर्कल की एक और प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, जो आपने शायद 9th में कहीं पढ़ी होगी, 9th या 8th में पढ़ी होगी शायद आपने। ठीक है, कि क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, और ये दिख रहा है सबको है ना। अगर पढ़ी हुई प्रॉपर्टी याद भी नहीं आ रही है वर्ड टू वर्ड, तो आप क्या डायरेक्टली ऐसा सोच सकते हो कि नहीं, जितना बड़ा एंगल होगा उतना ज़्यादा एंगल बनेगा यहाँ पे। तो ये ए सी बड़ा आर्क है तो उसका एंगल भी ज़्यादा है ना। तो प्रॉपर्टी कोई बहुत वो नहीं है, मतलब याद रखने में मुश्किल नहीं है, है ना। लेकिन ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं। क्या प्रॉपर्टी है? कि लेंथ ऑफ आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ऐसा कुछ, या फिर उल्टा होना चाहिए एक्चुअली। एंगल सबटेंडेड इधर लिखा ना, तो थीटा इस साइड लिख लेते हैं, ऐसा लिखना चाहिए एक्चुअली हमने कि एंगल सबटेंडेड थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जितना लेंथ बढ़ाओगे उतना एंगल बढ़ते रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिखता हूँ कि θ1 अपॉन θ2, तो वो L1 अपॉन L2 के बराबर हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी में हम ये काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे इक्वलिटी वाला एक्सप्रेशन बनाना होता है तो मैं कोई सा भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके इक्वलिटी वाला एक्सप्रेशन बना सकता हूँ। थीटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू L। वो कांस्टेंट क्या है बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना। तो θ1 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ L1 एंड θ2 इज ऑल्सो के टाइम्स ऑफ L2। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मैंने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के यूज़ किया, फिर उन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ऐसा कुछ आएगा कि 2 एंगल्स का रेशो उनके आर्क के रेशो के बराबर आएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं 2 आर्क जो ले रहा हूँ वो बहुत ही स्पेशल वाली है। एक एक्जैक्टली आर लेंथ वाली आर्क है और एक 90 डिग्री जनरेट करने वाली आर्क है, क्योंकि मुझे पता तो चले कि उनका लेंथ कितना है ना, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो पहली बात ये देखो कि मेरे पास θ1 कितना है? एंगल ए ओ बी है, और θ2 कितना है? एंगल ए ओ सी है, ए ओ सी है। ठीक है, अच्छा, L1 उसके इसमें कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा, है ना। θ1 बनाने वाला आर्क कौन सा है? ए बी आर्क है, तो आर लेंथ के बराबर है। और जो L2 है वो बेसिकली क्या है? L2 ये पूरा वाला लेंथ है ए सी। तो ये क्योंकि मैंने 90 डिग्री बनाया था, इसका मतलब मैंने सर्कल को 4 पार्ट्स में ब्रेक किया, तो सर्कमफरेंस का 4th हो गया वो, 1/4 ऑफ सर्कमफरेंस, 1/4 ऑफ सर्कमफरेंस 2πr। याद है ये सबको? ठीक है, ये फॉर्मूला तो याद होता है सबको। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ कि आर और आर ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और क्या हो गया अच्छी बात कि यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं वो भी हमें पता है। एंगल ए ओ बी पता है क्या? एंगल ए ओ बी 1 रेडियन है कि नहीं, तो 1 रेडियन लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं। और वैसे ही एंगल ए ओ सी पता है कि नहीं सबको? एंगल ए ओ सी राइट एंगल मतलब कितना लिख सकता हूँ मैं उसको? 90 डिग्रीज लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर राइट साइड में क्या बन रहा है वो देखो। यहाँ से पहली बात तो आर और आर कैंसिल करते हैं, और यहाँ से 2 को कैंसिल करते हैं, तो ये कितना हो गया? 2/π। ठीक है, तो बस 90 उस साइड ले जाओ और π/2 इस साइड ले आओ। ठीक है, या फिर 90 उस साइड ले जाके रोक दो, क्योंकि हम करना क्या चाह रहे थे? 1 रेडियन कितना ऐसा जानना चाह रहे थे, तो 90 उस साइड ले जाओ, डिग्रीज के साथ में ले जाओ। ठीक है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 हो जाएगा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 180 डिग्रीज अपॉन पाए। ये एग्जैक्ट वैल्यू है 1 रेडियन का। ठीक है, 1 रेडियन का वैल्यू कितना है? 180 डिग्रीज अपॉन पाए। यहाँ तक आई कहानी समझ में? अब पाए कितना होता है? पाए होता है 3.14। जो 3.14 3 भी अगर सोचोगे, चलो 3.14 में से थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन करके बता रहा हूँ, इसको अगर 3 सोचोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 3.14 मतलब 60 से थोड़ा सा ही कम होगा, ठीक है। तो ये 57.3 कुछ तो आप इसको मान सकते हो। 1 रेडियन इज नियरली 57.3 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ आके तो ऐसा लग रहा है कि और कंफ्यूज हो गए हम, क्योंकि हम जो नया यूनिट देखना चाह रहे हैं उसका स्टैंडर्ड वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो स्टैंडर्ड वैल्यू खुद डिग्रीज में, कुछ तो पॉइंट में, ठीक है। ग्रेड में तब भी बेटर था, 90 डिग्रीज मेरे पास ख्याल से कम 100 ग्रेड तो आ रहा था, कुछ तो अच्छी क्वांटिटी थी। यहाँ पे 57.3 डिग्रीज आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन हमें चलना इसी के साथ है, 57.3। और इसी के अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, अब रिवर्स में भी सीखना पड़ेगा कि अगर कोई 90 डिग्रीज बोल रहा है मतलब मैं कितने उसको रेडियंस बोलूँ, ये भी मुझे सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करना क्या चाह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, चलो समझ में आ गया कि 1 रेडियन का वैल्यू इतना बड़ा होता है ना। 1 डिग्री तो कितना छोटा होता है, 1 डिग्री मतलब बहुत ही छोटा होता है, ऐसा कुछ तो होता है 1 डिग्री, ठीक है। ऐसे कुछ तो OA के साथ में इतना छोटा सा एंगल बन रहा है 1 डिग्री का। लेकिन अगर मैं 1 रेडियन देखता हूँ तो ये तो 57 डिग्री तक हो गया। तो अब मुझे अगर 30 डिग्रीज बनाना है मतलब कुछ पॉइंट में रेडियंस आएगा वो, क्योंकि वो 57 से कम है ना। 45 डिग्री भी पॉइंट में कुछ तो आएगा, ठीक है। चलने दो, लेकिन चलेगा आप ही के लिए, ठीक है। ऑल राइट, हाँ ऑल राइट। तो मनीष और भी एक्जैक्ट वैल्यू बता रहा है, चलो ठीक है, मतलब मुझे उससे मतलब नहीं, 180/π से मतलब है मुझे, ठीक है। अच्छा, तो जैसे अभी हमने ग्रेड और डिग्री का रिलेशन देखा था, वैसे हमें क्या देखना चाहिए कि अच्छा रेडियन और डिग्री का एक्चुअली रिलेशन क्या है, तभी तो हम आगे शायद रेडियन को एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आया, तब तो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो कि मेरे पास ऑलरेडी रिलेशन क्या आया है, ये रिलेशन था मेरे पास 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज अपॉन पाई, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से मेरे पास आएगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। पाई मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई कर ली, तो 1 में पाई मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, पाई रेडियन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है अपने आप में, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। पाई इज नॉट 180, पाई तो 3.14 ही है, डिफरेंस है इसमें, ठीक है। पाई लेकिन रेडियन जो है एंगल वाइज वो 180 डिग्रीज के बराबर आता है, ठीक है। लेकिन हमें इंटरेस्ट यूजुअली किस में होता है, 90 डिग्रीज में इंटरेस्ट होता है हमें, क्योंकि 1 राइट एंगल क्या होता है वो हम देखना चाह रहे होते हैं हमेशा, ठीक है। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज तो होता ही है और फर्दर 100 ग्रेड भी होता ही है ना। अब हम देखना चाह रहे हैं कि रेडियंस में कितना होता है, तो 90 डिग्रीज के लिए मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 रेडियंस, ठीक है। 90 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियंस, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अल्टीमेट इक्वेशन टू कन्वर्ट 1 वैल्यू इनटू अनदर, ठीक है। 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियंस, ठीक है। आई यहाँ तक कहानी समझ में? ऑल राइट, अनुस्तुप बिल्कुल पाई बाय 2 सही बता रहे हो। हाँ, तो सोचो फिर अब कि अगर मेरे जो अच्छे वाले एंगल्स थे जो मैंने लास्ट ईयर यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है, ठीक है। उनमें आपने कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स यूज़ ऑलरेडी किए थे, ठीक है। अब वो एंगल्स डिग्रीज में हम बात नहीं करेंगे, वही एंगल्स अब हम यूज़ किस में करेंगे, रेडियंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको अब सारे जो इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, सबसे पहला टास्क है कि आपको उनको रेडियंस के नोटेशन में याद करना है, ठीक है। तो कन्वर्ट कर लेते हैं पहले आज की क्लास में, अगली क्लास से तो मैं मान के चलूँगा कि आपने याद कर लिया है, ठीक है। तो 30 डिग्रीज को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 1 कहाँ पर है कन्वर्जन फैक्टर, ये रहा ना, ठीक है। कि अगर मेरे पास 90 डिग्रीज है तो पाई बाय 2 के बराबर है, तो 30 डिग्रीज है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, बेसिकली 1 डिग्री का रिलेशन निकालो। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 हो जाएगा कि नहीं, रेडियंस। 90 नीचे ले गया हमें, तो आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करना है टू गेट टू रेडियंस, ठीक है। तो अगर मैं 30 में पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई करता हूँ तो काफ़ी कुछ कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा कितना, पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 रेडियंस आपको बोलने की आदत डालनी है, जिस एंगल को आज तक आप 30 डिग्रीज बोलते थे, ठीक है। वैसे ही 45 डिग्रीज कितना हो जाएगा, तो 45 इंटू पाई अपॉन 180 करो, है ना, इतना रेडियंस हो जाएगा। और ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये 4 हो जाएगा, तो पाई बाय 4 रेडियंस, ठीक है। और ऐसे ही 60 डिग्रीज में कितना आएगा, 60 डिग्रीज आप डायरेक्टली 30 से भी कर सकते हो, इंटू 2 करना है ना, इंटू 2 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियंस। ठीक है, और देखो ये सब याद होना चाहिए अगली क्लास से। ठीक है, π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियंस। 90 डिग्रीज कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज वाला तो अभी लिखा ही था हमने डायरेक्टली, π/2 रेडियंस हो जाएगा। 180 डिग्रीज से ही तो हम सब कुछ कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, ये पाई रेडियंस होता है। और अगर ये पाई है तो 360 कितना हो जाएगा? तो 360 आपका हो जाएगा 2 पाई रेडियंस। ठीक है, आई बात समझ में? π/6, π/3, π/4 ये आज से आपके एंगल्स हैं, इनके साथ में हम अब डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बस अगली क्लास में जो हम करेंगे है ना, आज के लिए इतना ही। काफ़ी पढ़ लिया, ऑल्दो बेसिक्स था लेकिन काफ़ी पढ़ लिया हमने। ठीक है, अगली क्लास से हम एक्चुअली देखेंगे कि अब इनसे इन्वॉल्व क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। वी विल ऑल्सो स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर, ऑल्दो उसमें थोड़ा सा टाइम है ना। मंडे से हम जब मिलेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री हम एक्चुअल में स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एंगल्स के बारे में सब कुछ अभी समझ लिया है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो तो अंटिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।